Hello everyone and welcome back again to my channel. You're watching K for Life and this is Cam. First of all, I would like to thank all my viewers who are supporting me from beginning till today. ऐसे ही मेरे को support करते रहना और मैं आपके लिए useful content लेके आती रहूँगी. तो आज का जो ये मेरा video है, ये just मेरी routine का एक part है. तो इसमें मैं शेयर करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हमारे घर में स्मूदी ज़्यादा बनती है, तो ये हम स्मूदी बना रहे हैं. और उसके बाद मैं शेयर करूँगी जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की है. तो फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं इस काइंड का वीडियो बना रही हूँ. आई होप आप लाइक करोगे और मेरे को कमेंट्स में राइट करके बताना कि कैसा लगा. तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने दो गिलास में बनाना नहीं डाला और इसमें मैं बनाना डाल रही हूँ. तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू टेस्ट. जिसने नहीं लेना उसमें मैंने नहीं डाला और मैंने अपने गिलास में डाला. ओके, तो आफ्टर वी हैड आवर स्मूदी, थोड़ी एनर्जी आ चुकी है और हम करेंगे ग्रॉसरी अरेंज, जिसमें कि मेरे बोथ चिल्ड्रन मेरी हेल्प करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि फिर उनको पता होता कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है, और जब उनको चाहिए होती तो वो फटाफट से जाके अपनी चीज़ें ले सकते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है टीम वर्क. एक साइड पे एक जना निकाल निकाल के सारा स्टफ बाहर रख रहा है और दूसरा जना इधर अरेंज कर रहा है. फिर किसी और वीडियो में मैं आपको मेरे जैसे कि हमने कैबिनेट अरेंज किए हुए हैं वो भी मैं शेयर करूँगी. होपफुली मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ. तो टीम वर्क पूरा जोरों से चलता है. ये वीकेंड पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिर बच्चों को होता है कि वो थोड़ा सा काम करवा के किचन में फिर बाहर खेल सकते हैं और अपने गेम्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो बैक पे अगर आपको पीछे शूज़ वगैरह दिख रहे हैं तो वो माइंड ना करना, क्योंकि बाहर रेनी सीजन था तो इस एरिया में हमारे कोई कारपेट वगैरह नहीं है. और किचन में कोई और फ्लोर है, क्या नाम है इसका, आई फॉरगॉट. तो आई विल टेल यू लेटर. तो दूसरे एरिया में हमारे घर के वुडन फ्लोर है, तो उस साइड हम कोई भी ऐसे जो वेट चीज़ है वो नहीं लेके जाते. तो जैसे किचन है, किचन थोड़ी वाटरप्रूफ है तो यहाँ पे हम माइंड नहीं करते. तो अब जैसे कि मैंने बोला था, किचन में अरेंज करवा के वो अब बाहर आ चुके हैं बच्चे खेलने के लिए, और मैं रेस्ट ऑफ द वर्क जो घर में है वो कर रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी एरिया में रहते हैं. मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैं हाउस टूर करूं, तो मैंने सोचा उसके ऊपर. अभी तो नहीं मैं करूंगी हाउस टूर, और छोटा सा घर है हमारा, इतना बड़ा घर नहीं है. तो जिस दिन मेरे को लगा कि हाँ अरेंज प्रॉपर हुआ तो मैं हाउस टूर करूंगी. एट द मोमेंट तो हमारा काफ़ी बिजी चल रहा है, दिस ईयर हमारा काफ़ी बिजी है. तो जितनी भी मेरे से क्लिप बनेगी और जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक कनेक्शन सा हो चुका है आप सब से. और जितना टाइम मैं खुद भी शेयर नहीं कर लेती तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता. और आप मेरे को कमेंट्स में पूछते हो, हम पंजाब से हैं और यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो बच्चे वीडियो में नहीं बोलते क्योंकि बच्चों को इतनी पंजाबी बोलनी नहीं आती, ना ही उनको हिंदी आती है. तो वो ट्राई करते हैं बात करने की, लेकिन फिर जब कोई भी उस पर हंसता है तो वो माइंड कर लेते हैं. तो दैट्स द रीज़न वो बोलते नहीं हैं वीडियोज़ में ज़्यादा. जिस दिन वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो वो भी वीडियोज़ में आया करेंगे, मेरी वीडियो में और बोला करेंगे. तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज, मेरे हिसाब से लैंग्वेज शुडन बी ए बैरियर. यूट्यूब पे हम कितने फ्रेंड्स हैं,
अपने कंट्री से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो हम कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज है, जैसे कि बोलते हैं कि दिल की जुबान है, तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फिर भी, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसा भी कोई मैसेज है हम कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं सारे फ्रेंड्स को कहूँगी स्टे इन टच, कीप शेयरिंग एंड ग्रोइंग। तो मैं आप सबसे मिलूँगी एक अनदर वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक और प्रॉब्ली द सेम टॉपिक माइंड इन वीडियोज। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और हैव अ लवली वीकेंड।